राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी कोरोना का टीका लगवाया है। आपको बता दें कि देश में 1 मार्च से कोरोना वैक्सीन का दूसरा चरण शुरू हो गया है और इसी क्रम में आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आर्मी रिसर्च और रेफरल अस्पताल में कोरोना वैक्सीन ली है। इस दौरान उनकी बेटी उनके साथ अस्पताल में मौजूद थी। बता दें कि राष्ट्रपति कोविंद को कोरोना टीके की पहली खुराक देश में लागू इस प्रावधान के तहत दी गई, जिसमें 60 साल की उम्र से अधिक लोग व गंभीर बीमारी से पीड़ित 45 साल के लोग कोरोना टीका लगवा सकते हैं। इस उम्र सीमा के अंतर्गत आने वाले सभी लोग सरकारी अस्पतालों में जाकर मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन लगवा सकते हैं। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इतिहास के सबसे बड़े वैक्सीनेशन ड्राइव को चलाने के लिए डॉक्टर्स, नर्स, हेल्थ वर्कर्स और प्रशासन को धन्यवाद किया है। यही नहीं, राष्ट्रपति कोविंद ने सभी लोगों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की भी अपील की है। बताते चले कि निजी अस्पतालों में भी कोरोना वैक्सीन लगवाई जा सकती है। इसके लिए लोगों को ₹250 का शुल्क देना होगा। बता दें, टीकाकरण के दूसरे चरण की शुरुआत में स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान जारी किया। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आग्रह किया गया है कि वह COVID-19 के टीकों का भंडारण, संरक्षण या निर्माण ना करें। वहीं राज्यों के साथ एक आधिकारिक समीक्षा बैठक में केंद्र ने दोहराया कि टीकों की कोई कमी नहीं है, इसलिए कोरोना टीकाकरण केंद्रों को पर्याप्त वैक्सीन की खुराक आवंटित की जाएगी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सहित कई नेता अब तक टीके लगवा चुके हैं। इसके अलावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी टीका लगवा चुके हैं। मंगलवार आर्मी अस्पताल में कोरोना की वैक्सीन लगवाने वाले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले व्यक्ति थे। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।